दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो भाई, कल आपने देखा होगा मैंने कांगड़ा का ऑलमोस्ट ट्रिप पूरा कर लिया था। यहाँ धर्मशाला भी हम बाक्सुना आ गए थे। सो आज का हमारा ट्रिप है त्रिउंड का ट्रैक अभी हम करने जा रहे हैं। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 6 और अभी हैं हम यहाँ रूम में धर्मशाला में मेकलो में। सो मेरे साथ कुछ फ्रेंड्स हैं, ये भाई देखो अभी सोए हुए हैं आराम से। राजीव है, अतुल है, इसका नाम मुझे नहीं पता भाई, तेरा नाम क्या है? अंकुश है इसका नाम, अंकुश है हमारे साथ। ये हमारे राणा जी हैं, स्पेशल गेस्ट हमारे साथ आए हुए हैं राणा जी। राणा जी क्या फील कर रहे हो फिर? चलो फिर यार, तो ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं, अभी रेडी होते हैं ऊपर के लिए और आपको आगे का व्यू दिखा देते हैं। जो त्रिउंड है वो काफ़ी अच्छी डेस्टिनेशन है घूमने के लिए। यहाँ धर्मशाला में आप ट्रैक पे जा सकते हैं। यहाँ से डिस्टेंस जो है अप्रोक्स ऊपर की 7 से 8 किलोमीटर है। सो मैं एक बार आपको यहाँ रूम के बाहर का नज़ारा दिखा देता हूँ। ये यहाँ से बाहर का व्यू है। हमारे जाने हमारे ट्रैक करें काफी भाई, कहाँ कर रखी है किन्नर क्लास। तो भाई एक नई क्लोल हो गई है, चाबी नहीं मिल रही इसकी गाड़ी की। वो तूने लास्ट टाइम कहाँ देखी थी? बैग में थी। सारे देखे ने सारे गद्दे कंबल ऊपर फेंक दिए, यहाँ पे ढूंढ आने गई। एंड टाइम हो गया सुबह के 7:15। सो अभी करते हैं जर्नी स्टार्ट त्रिउंड की ओर। सो भाई निकल चुके हैं अभी हम रूम से और जा रहे हैं त्रिउंड ट्रैक पे। यहाँ से धर्मकोर तक गाड़ी पे जाएंगे, उससे आगे जाएंगे हम पैदल 6 किलोमीटर। यार इसने मेरे हेलमेट का माउंट तोड़ दिया है, ऐसे कर आगे दिखा। ये देखो भाई, आगे कैमरे लगाने वाला बचा ही नहीं है, बीच एमसील के निकल गए हैं यहाँ से। राणे तेरे हाथ बचाते थे नहीं, पहले थे खोल लेते, टाइम नहीं टूटे थे माए। भाई यहाँ पे मैंने बाइक लगाई थी, इसको अभी हम यहीं रहने देंगे और अभी हम जा रहे हैं गाड़ी पे। ठीक है, जाओ आराम करें, चलो भाई आराम करें, जाए आराम करें। दोस्तों अभी पहुंच गया हम धर्मकोट और यहाँ से पैदल यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। इससे ऊपर 6 किलोमीटर और जाना है। वो जो आपको सामने पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं वो पीछे जाते हुए ऊपर से पीछे पता नहीं कहाँ जाके निकलेंगे। तो इस तरह का रास्ता बना हुआ है यहाँ पे और 7 किलोमीटर का कुल मिला के ट्रैक है ये। धर्मकोट जो है इसका बेस पॉइंट हम बोल सकते हैं वो है, उससे आगे जो भी ट्रैक है स्टार्ट होता है। सो और ये देखो पहाड़ों में, इसको हम बोलते हैं आखिरी लोकल लैंग्वेज में, ये इस सीज़न में काफ़ी होते हैं। कांटेदार झाड़ी टाइप में ये पौधा होता है जिसके साथ ये लगते हैं, तो बिल्कुल नेचुरल फ्रूट है ये। टेस्ट इसका बहुत अच्छा होता है, थोड़ा जब कच्चा होता है थोड़ा ये खट्टा होता है, उसके बाद जैसे पकता है भी मीठा हो जाता है। भाई को त्रिउंड जा रहे हैं और साथ में हमें एक भाई मिले। भाई अकेले ही जा रहे हैं त्रिउंड? कहाँ से वापस? मैं चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से आए हो? वाह यार, चंडीगढ़ में कौन सी जगह? चंडीगढ़ सेक्टर 21 से आए हो, तो वहीं से अकेले ही आए हो। ग्रेट भाई, ग्रेट। सो भाई अभी हम यहाँ पे रुके थे गलू टेम्पल में, 1 किलोमीटर हम आ चुके हैं और अब आगे की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं हमारे दो दोस्त। चल चल चलो भाई, तुम चल रहे हिम्मत हार चुके हैं हमारे दो दोस्त, तू चलेगा भाई? दोस्तों यहाँ से देख लो रास्ता बना हुआ है, काफी खुला है और ये रास्ता देख लो पीछे से 2 किलोमीटर आगे हम आ चुके हैं और ऊपर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ यहाँ से आपको दिखने स्टार्ट हो गई होंगी। वो देखो कितने ऊपर तक पहाड़ है और बिल्कुल शांत वातावरण है यहाँ पे और ठंडी हवा चल रही है। जून के मंथ में इतनी ठंडी हवा देखने को मिले भाई।
सो भाई अभी हम पहुंचे गड़ू से 2 किलोमीटर आगे, वहां से हमने स्टार्ट किया था पीछे से, और यहां से धर्मशाला का व्यू मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। ये देखो यहां भागसू है और नीचे सारा ये मैक्लोडगंज इस तरफ को, और वो पीछे जाके स्टेडियम दिखाई दे रहा होगा, आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, और उस तरफ गगल है। सो व्यू काफ़ी उस समय यहाँ से। और ये देखो हमारे राणा जी आते हुए, राणा जी थकान तो नहीं हो रही है? ओके सो यहाँ पे आके दोस्तों हमें 2.5 किलोमीटर के बाद सामने त्रिउंड की पहाड़ियाँ दिखाई देने लगी है, मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे, वहाँ तक जाना है हमें पीछे। सो यहाँ से अराउंड 5.5 या 5 किलोमीटर हो रहा है अभी। तो भाई ये देखो ऊपर पानी की बिल्कुल किल्लत है, अगर आप बोतल वाला पानी लेते हो तो ये आपको 40 रुपए का मिलेगा, ये इन्होंने फिल्टर लगाया छोटा सा, अगर ये पानी खुद अपनी बोतल में भर के लोगे तो 20 रुपए का मिलेगा। थैंक यू, वेलकम वेलकम। हम नीचे मिले थे आपको, मैंने सोचा आगे निकल गए आप, नहीं हम देख रहे थे, मैंने कहा भाई मारे आगे निकले थे, ब्रेकफास्ट करने रुक गया था गल्लू टेम्पल पे, मैं आगे। अच्छा वहां पे रुके थे? ओके ओके, सुबह उठा था यहां पे, वहां से ब्रेकफास्ट नहीं प्रोवाइड। ओके ये देखो वही पानी की कीमत यहां पे देखो, सिंपल पानी आपको 20 रुपए का खुद की बोतल में भरना पड़ेगा, पैकेट लेते हो। अच्छा यू कैन रिफिल है ना, रिफिल रिफिल कर सकते हो, तो ठीक है रिफिल कर सकते हो। उधर बोतल पे चेक भाई, यहाँ पे कुछ फॉरेनर्स भी ट्रैक करने के लिए जा रहे हैं, एक बार इनसे बात करें। सर वेयर आर यू फ्रॉम? चेक रिपब्लिक, यूरोप। यूरोप? या या। ओके ओके ओके। सो एंड यू, यू आर लोकल? आई एम लोकल, आई एम लोकल, आई एम फ्रॉम लोजी। हाउ फार इज दैट? 150 किलोमीटर्स। इट इज वेरी गुड प्लेस, यू कैन विजिट देयर आल्सो, लोजी। इट इज योर हिल स्टेशन एंड देयर आर मेनी प्लेसेस इन लोजी यू कैन विजिट देयर। मेबी नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम? लाइक टू मोर डेज आई एम फ्लाइंग बैक टू यूरोप। Europe. In which country Europe? Czech Republic. Czech Republic. Mm. Okay. Between Germany and Austria. Austria and Germany. Okay, okay. No. Between. Between Germany. Austria and Germany. Yes. You have Germany, you have Czech Republic, you have Austria. Okay. So how is your experience in India? Oh, lovely. I'm coming back as soon as I can. Okay, most welcome. Thank you. Okay. So भाई अभी भाई बता रहे हैं कि कितनी कंट्री में इन्होंने विजिट किया है। Sir, how much countries you visited? Czech Republic is your home. No. Slovakia is my home. Poland, Hungary, Romania, Bulgaria, Slovenia, Croatia, Taiwan, USA. So I think you almost visited 20 to 30 countries. No. 17 countries you visited already. Okay. That's great. Actually, that's great. Yeah. Andorra, 18. Andorra? Yeah. He's also from Andorra. तो भाई ये वाला इंदौर नहीं, कोई बाहर का इंदौर है, कांगड़ा वाला इंदौर। You need to go to Andorra. It's lovely. Okay. It looks there like this. Which one? Andorra. Not Andorra. 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 Where it is? Between Spain and France. Okay, Andorra between Spain and France. It is hilly area or plain? Hilly, like this. Okay. Adventurous place, we can say. Okay. So from how many days you are here? Almost a month. Almost month you are in India. Okay, that's great. Yes, it is. Okay. So what's your profession? Strategy and operation manager. Operation manager, okay. Okay. So your company giving you holidays for such a long period? Not really. Okay. But I can transfer from previous year. Okay. So last year I took almost no vacation. Okay. So this year I could do this. Okay. Usually we get only 25 days. In a year, yes. In a year, okay. Same pattern in India. We also get 25 to 30 holidays in a year. Yes. Okay. But that's really good that you traveled many countries after doing a job. The other difference is, okay, you need to work 6 days a week. We do only 5. So okay. Actually having... No, in India there are some companies... Really? MNC companies which offers 5-day working. Oh, okay, that's lovely. Some IT companies and some good brands. So bhai, ye hamare saath bhai, ye Europe ke rehne wale hain aur ye 17 country visit kar chuke hain. Saath mein private job bhi karte hain aur
मतलब इतना मैनेज करना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। एक मंथ से इंडिया ही घूम रहे हैं भाई, यहाँ से नज़ारा देख लो, बिल्कुल पत्थरी पत्थर हैं, पत्थरों वाले पहाड़, बड़ी बड़ी चट्टाने यहाँ से दिखने स्टार्ट हो गई हैं। देखना चक्कर चुक्कर ना जाए, आराम से बैठ जाओ। और ये देखो थके हारे ये सारे बेचारे, चलो यार ब्रेकफास्ट करते हैं भाई। यहाँ पे सुबह से कुछ खाया नहीं है मैंने, राजीव ने तो एक एक परांठा खा लिया, उन्होंने कुछ नहीं खाया, तो अभी हम भी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। उसके धर्मशाला में इतनी महंगाई है ना, ये 40 रुपये का परांठा दिया है, वो भी बिना अचार के। सामने काफ़ी लोग ट्रैक करके वापस आ रहे हैं और नज़ारा काफ़ी अच्छा है यहाँ से। सो भाई अभी हम आ चुके हैं एक बहुत ही औसम लोकेशन पे, यहाँ पे बैठे हैं, देखो पीछे फ्लैग्स लगे हुए हैं काफ़ी जो बुद्धिस्ट के होते हैं, और इस तरफ को थोड़ी छाँव थी तो बैठ गए। और क्या ऊपर हम 1-2 घंटा रुकेंगे भाई, 2 घंटे रुकेंगे, रेस्ट करेंगे, सोना है ना। तो सो दोस्तों हम पहुंच गए त्रिउंड 4 घंटे की जर्नी के बाद, 7:30 बजे चले थे हम और यहाँ पहुँचे हैं 11:15 बजे। तो भाई यहाँ से लोकेशन अल्टीमेट है, मैं एक बार आपको घुमा के दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूँ कि ये ट्रैक धर्मशाला से 7 किलोमीटर है, और अगर आप यहाँ पे आते हो तो साथ में पानी की बॉटल्स वगैरह साथ में कैरी कर लें, क्योंकि बीच में पानी का कहीं स्कोप नहीं है, अगर कहीं मिलता भी है तो काफ़ी महंगा है, 40 से 50 रुपये की आपको बॉटल मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे कैरीज वगैरह का खर्चा होता है काफ़ी। सो एक बार अभी आपको यहाँ से आगे का व्यू दिखा देता हूँ भाई। ये देख लो दोस्तों सामने धौलाधार की बर्फ भरी पहाड़ियाँ, इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, और इस तरफ को ये त्रिउंड का सारा नज़ारा, ये जगह है जिसके लिए हम इतना लंबा ट्रैक करके पहुँचे हैं। इस तरफ को देखो काफ़ी कैंपिंग साइट्स हैं, कैंप्स आपको कैंप्स वगैरह यहाँ पे ईजी मिल जाएंगे टेंट वगैरह रहने के लिए, और उस तरफ को जाके आपको धर्मशाला का व्यू दिखाते हैं एक बार। सो हम वहाँ से चले थे नीचे से, वो रास्ता चला गया, वो नीचे धर्मशाला है, ये मैकलो, वो नीचे जाके धर्मशाला, पीछे कांगड़ा गग्गल एयरपोर्ट वगैरह दिखाई देता है, शायद आपको कैमरे में उतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा हो। सो अभी थोड़ी देर यहाँ रेस्ट करेंगे, उसके बाद वापस चलेंगे। भाई सारे बॉयज थक चुके हैं, गुड मॉर्निंग, बिल्कुल नहीं झूठ बोल रहे हैं हमारे ब्लॉगर साहब, ये देखो ये थक चुके हैं, जोश आ गया हमें, ये देखो ये, हेलो गाइस, भाई मुझे यार मारा ना जरा क्रू, हेलो इनका क्रू कर रहे हैं भाई, नई आवाज आई है, एक क्रू क्रू क्या हुआ भाई। सो भाई अभी हम काफ़ी टाइम से यहाँ पे घूम रहे थे, तो अब भूख भी लगी है, 2 बजने को हो चुके हैं, आई थिंक 1:30 बज गया होगा, टाइम क्या हो रहा राजीव, अरे 12:30 हो गई, तो भाई अभी 12:30 हुए हैं, सो भूख लगी थी तो बोला थोड़ा लंच कर लेते हैं, तो यहाँ पे एक शॉप थी वहाँ से ये हम लंच कर रहे हैं अभी। सो भाई अभी हमने यहाँ पे काफ़ी देर से हम बैठे हुए हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड किया, खाना वगैरह खाया, और अब थोड़ा फोटो शूट वगैरह करने के लिए जा रहे हैं सामने की तरफ। सो ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, बहुत अच्छा मौसम है आज, धूप भी है और काफ़ी लोग आए हुए हैं, ये सामने आप देख सकते हो उस तरफ को कितना अच्छा व्यू है, और ये देखो रील लवर्स, ये देखो डांस चल रहा है यहाँ पे। ये देखो भाई फोटोग्राफी का लेवल देख लो, ये देखो फोटोग्राफर कितना डेडिकेटेड है, और इसका पोज बना रहे हैं, फोटो लेने के लिए सेट कर रहे हैं, चल नहीं ब्लॉग नहीं वीडियो में नहीं डालेंगे, चल बना पोज बना, ये देखो आपको ये फोटो देख के ना युवेंद्र चहल की याद आ रही होगी, देखना भाई थोड़ा पीछे जाना, तुम थोड़ी पीठ सीधी कर, पीठ थोड़ा इस साइड जो कर, मूव इस साइड, वो भाई फोटोग्राफर देखो प्रो लेवल के, कैमरा गा पर नहीं लगता तू, हां गा। सो दोस्तों अभी हम लंच वगैरह करके यहाँ थोड़ी देर बैठे थे त्रिउंड में, और अब जा रहे हैं वापस। सो यहाँ से 7 किलोमीटर और नीचे जाना है वापस, यहाँ से लगेगा अराउंड
डेढ़ से दो घंटे लगेंगे नीचे जाने के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। सो इस वीडियो को अभी यहीं पे ख़त्म करें।